रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय। मकर राशि के आने वाले मार्च महीना तक हर महीना एक प्रकार का समस्या, जिसको लेके मकर राशि वाले मार्च अप्रैल तक थोड़ा सा पस्त रहेंगे, या ऐसे समझ लीजिए कि नवंबर तक ये होगा। और क्यों होगा और वो समस्या क्या है जो हर महीना उनको सामना करना पड़ सकता है, पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहा। अगर मकर राशि वालों का इस समय शनि का महादशा हो या द्वादशाधिपति गुरु का महादशा चल रहा हो और साढ़े साती का इम्पैक्ट भी चल रहा है, तो ये वीडियो मकर, कुंभ और मीन तीनों के लिए, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये पांचों के लिए, लेकिन स्पेशली ये मकर वाले, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आया और कितने आदमी को मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ बताइए, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। इसका छोटा सा वीडियो बनाया लेकिन वो मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं किया, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब हो गया, इसलिए उसका सेकंड पार्ट ये बना रहा हूँ। चंद दिनों से कुछ लोग परेशान चल रहे हैं, चंद दिनों से इन द सेंस कुछ लोग 5 दिन से, कुछ लोग 4 दिन से, कुछ लोग 2 दिन से, और जब जब ये परेशानी उनके जीवन पे आया तो वो लोग, कुछ लोग मेरे को कॉल किए, कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप किए, कुछ लोग टेलीग्राम किए, कुछ लोग SMS भी किए। तो SMS प्लीज़ ना करें, क्योंकि SMS इज़ वेरी इमरजेंसी केसेस, और बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं फ्री दिया हूँ। और ऐसे जो सामूहिक प्रश्न होते हैं मैं उसका वीडियो बना दूँगा, पर्सनली आपको उत्तर नहीं दूँगा, पर्सनली हर एक व्हाट्सएप में उत्तर देना पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से अभी कुछ दिनों से, जब से मकरू में शुक्र गोचर हुआ और द्वितीय स्थान पे शुक्र शनि का गोचर हुआ, लवरा लवरी वालों का केस थोड़ा बढ़ा हुआ है, और ये लोग तो पगला बना रहे हैं मेरे को। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन की मत बोलिए। तो जिसको उनको रोकने के लिए फिर वहाँ मेरे को मासूल लगाना पड़ा, बोला इफ़ यू एक प्रश्न का अगर उत्तर चाहते हो 201 रुपया, 101 रुपया गाय के लिए, 101 रुपया पेड़ लगाने के लिए, मेरे लिए नहीं, कितनों का उत्तर दूँ। तब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ है कि समझ में आ गया कि यार ये आदमी खाली बैठा नहीं है, इसका कुछ मूल्य है समय का। और कुछ प्रश्न कुंडली खोलने के लिए बोलते हैं कि ये सोना मेरा कहीं गिर गया या चोरी हो गया, मिलेगा या नहीं प्रश्न कुंडली। अरे महाराज, प्रश्न कुंडली को हमारे गुरुजी लोग बार बार मना करते हैं कि हर क्षेत्र में प्रश्न कुंडली मत खोलिए, दंड लगता है। ऐसे तो कुंडली देखना ही दंड है, दंडनीय अपराध है, नहीं कोई लीगल के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्म स्तर पे नॉट गुड। इसलिए ज्योतिषियों को मतलब एक पाप प्रभावी कहा गया है, अभी सप्त विद्या है इसलिए कहा गया, और इसलिए सबको ज्योतिषी मार्ग में नहीं आना चाहता है। और जो लोग ये सब मानते नहीं हैं, आधुनिक विज्ञान पे चलते हैं, फिर जब उनके जीवन में दंड आता है ना, फिर हम ही लोगों के पास दौड़ते हैं ऐसे टुच्चे काम करने वाले। हम लोग विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि चलो इस बहाने कोई तो ज्योतिष को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जो लोग ये धर्म अधर्म नहीं मानते, दिन रात 24 घंटा कहीं भी ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन आंसर वाले जो ऐप्स वालों का जैसे रहता है कि रात को 12 बजे भी जो कुंडली खोल लिया, भाई उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सावधानी कराना चाहूँगा। ज्योतिष विद्या कोई बच्चों का खेल नहीं है, और शाम को सूर्य चले गए तो कोई कुंडली नहीं खोलना, ऐसे हमारे गुरुओं का हिदायत रहता है, और वो तभी होगा अगर बहुत इमरजेंसी है, किसी का लाइफ एंड डेथ का सवाल है ऐसे कंडीशन। तो चलिए, ये तो दुनिया चल रहा है, चलने दें। तो हमें अपने मेन मूल मुद्दा पे आ जाऊं,
और वो प्रश्न कुंडली वालों के लिए भी मतलब 501 फिर प्रश्न कुंडली खोला जाए, क्योंकि मुझे भी प्रायश्चित करना है। बार बार ग्रहों को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। आपका सोना कहीं पर गुम हो गया तो उसके लिए ग्रहों का दोष हो गया है ना। कोई भाग गई कब तक आएगा? अरे यार भाग गई तो भाग गई, झगड़ा होता है पति पत्नी में, भाग गई तो आ जाएगी। कहाँ जाएगी, कितना दूर जाएगी? शादी कर लिए हो, बच्चा हो गया है, टेंशन किस बात का? कब तक आएगी? अरे भागने दो ना, कहाँ हो गया, भाग जाने दो। प्यार करोगे नहीं अपना पत्नी को, लवरी को, तो भागेगी नहीं तो क्या करेगी? कभी फूल दोगे नहीं हैं? भाग गई तो भाग गई, जाने दो उसको, आ जाएगी। हर चीज़ के लिए कुंडली और प्रश्न कुंडली नहीं, बड़ा दोष लगता है, आप मानो मत मानो, दोषी काम है ये सब। और प्रश्न कुंडली तो इमरजेंसी में खुला जाता है, हर पल प्रश्न कुंडली। हाँ ये अलग बात है कि आपके मेरे पास हमेशा लग्न देखते रहता हूँ, राशि देखते रहता हूँ, तो मेरे मुंह में है सब, वो अलग बात है। लेकिन प्रश्न तो उन्हीं को करूँगा ना, नौ ग्रहों का करूँगा। जब उन्हें करूँगा तो मेरे को तो ठोकेंगे, वह काम धंधा नहीं है, बार बार हमारे पीछे पड़ा रहता है, बोलेंगे नहीं क्या? तो इसलिए फिर जो आपसे दक्षिणा मिलता है फिर उसको प्रायश्चित करते हैं, हवन करके, पेड़ लगा के, गाय को दे के, कुत्ता को दे के, करना ही पड़ता है। आप मानो नहीं मानो आप जानो, लेकिन हम तो देखते हैं। अब सोचो मेरा गुरु बार बार बोलते हैं, दूसरे का दशा देखोगे, दशा छिद्र देखोगे, उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर होगा, कोई नहीं रोक सकता। किसी का कुंडली खोलते हो, गुप्त स्थान पे हाथ लगाते हो, अष्टम स्थान अकल्ट विद्या में, दंडनीय अपराध तो है ही, तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, करते हैं। तो चलिए मूल बिंदु पे आते हैं। देखिए मकर राशि वाले आने वाला जो समय है, एकदम हिसाब लगा लो, अप टू नवंबर जब तक राहु का तृतीय में गोचर नहीं होता तब तक ये समस्या लगा रहेगा। इसमें आपको ओरिड नहीं होना है, दिस इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट एंड इम्पैक्ट। वो क्या है देखिए, मकर राशि का द्वादश चंद्रमा हुआ, ये इसी महीने का बात कर रहा हूँ। द्वादश चंद्रमा में लॉस, टेंशन, तनाव, खर्चा, हॉस्पिटल का न्यूज, हॉस्पिटल तनाव में हुए। लग्न में आया, अब लग्न शुद्धि है सूर्य के साथ, एंगर, क्रोध, तनाव, अमावस्या भी दे दिया, प्रॉब्लम अमावस्या एक मन, वो तो अमावस्या चंद्रमा ना शनि का 7.5-20 योग से भी बड़ा खतरा होता है। बहुतों को जो लोग मून अफेक्टेड होते हैं, किसको झटका लगना, मुर्गी का जैसे इफेक्ट होना, किसको फेंट हो जाना, ऐसे समस्या होता है। फिर हमको फ़ोन करते हैं, फूक झाड़, मंत्र, शांति कर्म, तनाव, चिंता बढ़ाता है। तो वो दो दिन ढाई दिन गया, 5 दिन फंसे। उसके बाद द्वितीय चंद्रमा हो गया, द्वितीय स्थान पे शनि बाबा 20 योग बनाए, 20 योग बना के वो तो 1 डिग्री में थे, ज़्यादा बलि नहीं थे, तो 20 योग में तनाव, चिंता, भय, मन में सोचने का कैपेसिटी में कमी, पड़े रहे, ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, अरे यार बेकार है ये सब। कभी कभार आचार्य संजय भी वहाँ जूझ देता है, शायद फेंकता है। कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए तनाव रहा। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रमा शुक्र का युति हो गया 1 दिन के बाद, दूसरा नक्षत्र में, शतभिषा में हुआ। तो शतभिषा क्या करता है, कोई भी चीज़ को 100 गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। शुक्र बाबा वहाँ बैठे हैं तो कामना 100 गुना बढ़ाया, चंद्रमा भी पहुँच गया, राहु का नक्षत्र है, तो मिश्रित इफेक्ट हुआ। तब क्या हुआ कि कुछ मकरू वाले इधर डिप्रेशन और इधर कामना, तो गाड़ी खाली पड़ा था तो गाड़ी चलाने लगे, गाड़ी चलाए देखे 1 दिन में तो 7.5 का इम्पैक्ट में, तो बहुत दिन से गाड़ी पड़ा है नहीं चला रहे थे, गाड़ी समझी कि अरे यार ये शायद अच्छा हो रहा है, तो गाड़िए चढ़ के चला गए। गाड़ी बोले हम चलाएंगे, छोड़ो हमको, छोड़ो हम चलाएंगे। समझ आ रहा है? तो अब उसके बाद तो चंद्रमा भागा गुरु के घर, गुरु के घर जाके मीन राशि में इनके अंदर और पराक्रम आ गया। द्वितीय स्थान पे शुक्र और उधर पराक्रम युक्त चंद्रमा, तो मन में और तेज, लेकिन आया तो आया, कोई प्रॉब्लम नहीं,
अब यहाँ क्या हुआ, तृतीय में चंद्रमा ओवर पावर किया गुरु के साथ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? आगे राहु पीछे शनि पाप कर्तरी में गुरु चंद्रमा, तो बढ़िया राजयोग मिलने के बावजूद मतलब सब कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गया, समझे कि ना, समझ जाओ। हाँ, यहाँ तक भी ठीक ठाक था, लेकिन जब चंद्रमा मेष राशि में घुसा ये दो ढाई दिन से, लोगों का घड़ा घड़ फोन आने लगा, मैसेज आने लगा, SMS आने लगा, अरे गुरुजी तनाव में हैं, दुखी हैं, बहुत चिंता में हैं, डिप्रेशन टाइप हो गया है, भय लगता है। आप जैसे जैसे बोले हो वो सब तो रेमड़ा सब करते हैं, लेकिन ये का हो रहा है? अरे बाबू कौन, नहीं ये सब टेम्प्रेरी इफेक्ट है ना, हमको तो डर लग रहा है। अरे डरना का है, चंद्रमा राहु के साथ चला है, चतुर चंद्रमा, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं ना, वो सब ऐसा भय आ रहा है ना कि ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, ऐसे एक्सीडेंट का भय आता है, ऐसा गंदा गंदा सोच आता है, नेगेटिव सोच। चतुर चंद्रमा नहीं देगा तो कौन देगा? मेरा बाप देगा ही, राहु के साथ बैठा है चंद्रमा तो वो इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये सब टेम्प्रारी इफेक्ट है सर, इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। नहीं आप नहीं जानते, कमर में दो दिन के लिए दर्द हो गया, उठ नहीं पाए, सर भारी हो गया, उठ नहीं पाए, पड़े रहे उठ नहीं पाए, नया लैपटॉप नया मोबाइल सब लाए लेकिन चलाने का इच्छा नहीं होता है, गाड़ियों है तो गाड़ी पड़ा हुआ है चलाने का इच्छा नहीं। अबे तुम कहाँ चलाओगे बाबू? तो ये क्या हो गया, द्वादश चंद्रमा से ले कर चतुर्थ चंद्रमा तक। तो बोले शायद आप बच जाएंगे, हमसे फ़ोन हो गया तो हम बोले आपसे बात कर लेते हैं ना गुरुजी, थोड़ी एनर्जी लगता है। तो भले 1001 देना पड़े, 2100 देना पड़े, 5001 देना पड़े, या चाहे फॉरेन वाले हैं तो बोलते हैं $150 देना पड़े, लेकिन बात करना पड़ता है। ऐसा मत करो, देखो ये सब जो भी मासूल लगाया गया है ना, टेंशन से बचने के लिए लगाया है, पकड़ा जाते हैं हम, समझे ना, पूरा पकड़ाते हैं एकदम, का करें का नहीं, किसको बोलें किसको जवाब दें। तो ऐसा है, अब सोचो ऐसे क्वेश्चन मकरू वालों का अगर दिन में 1000 आ जाए तो एक एक को जवाब कहाँ से दें, जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, कौन बनाएगा बताओ, इतना देगा कौन, पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो बना दिया कि आप लोग सुन लो। तो अभी ये सोचो कि मैं बच गया, खाक बचोगे, आज से यानी आज 30 तारीख हो गया ना, 30, 31, 1 कहाँ जाएगा पंचम चंद्रमा, और खतरा, का खतरा हो गया, एक तो वहाँ मंगलू बैठा हुआ है दंगलू करने के लिए, मंगल करे दंगल, झगड़ा फसाद का बात, पंचम स्थान हृदय, आएगा का क्रूरता और क्रोध, आएगा का लबरा लबरी के साथ बिना फालतू का दोषारोप, आएगा का शिक्षा क्षेत्र में उग्रता अति उग्रता, तो ये होना स्वाभाविक बात है। और पंचम चंद्रमा बोलते हैं विवेकहीनता, मूर्खता, गलत निर्णय लेना और कभी कभार भय। लेकिन भय चंद्रमा क्या करेगा, उग्रता देगा, वाह नहीं डरेंगे, बात घट जाएंगे, आज ये थोड़ा सा दबंगाई आएगा। अब क्या हुआ बताओ, ये कब तक चलेगा? क्योंकि आपके द्वितीय चतुर्थ पंचम मार्च तक, मार्च को मंगलू भागेगा उधर छठा में तो बढ़िया हो गया, फिर आपके अंदर ये सारे समस्या समाधान होंगे, होंगे ज़रूर, लेकिन टेम्प्रेरी इफेक्ट जब तक राहु चतुर्थ में बैठा है नवंबर तक, और उधर गुरु मार्च में भागेंगे आगे, तो तब भी नहीं बचोगे। कहे ये जो दो में शनि, 3 पापकर्तरी में, 4 राहु, 5वां का समस्या मार्च तक समाधान हो जाएगा, और छठा में जब चंद्रमा चले जाएंगे तो रोग रिपोर्ट कंट्रोल में आएगा, शत्रु बाधा दूर होंगे, जितने शत्रु हैं सब प्रलयम जानती खत्म। तो ये मार्च तक का इफेक्ट रहेगा, लेकिन बाकी जो 3 इफेक्ट है आपका बाबू, नवंबर तक बचने का भूल जाओ। हाँ, जो लोग जो भी बता रहा हूँ शनि का काम करते करते चल रहे हो, काम मतलब रेमेडी, और राहु का जैसे अभी पूर्व वीडियो में आया ना, रास्ता में आ रहा था तो कुत्ता खिलाना, ये सब चला रखे हो, पीपल गच में परिक्रमा करना है ना, ये सब अगर चला रखे हो और ज़्यादा मानसिक भय हुई आता है ना, तो तुरंत छाया दान करना है, वो छोड़ना नहीं, या फिर कोई नर्व्स प्रॉब्लम आ रहा है, दर्द उर्द कुछ हो रहा है, छायादान करना है, छायादान करते रहें। और इन सब के बाद सबसे जो बड़ा रेमेडी वो क्या है, वो है गौ माता को
अन्न खिलाना। जब भी अगर कोई चीज़ बहुत भारी पड़ने लगा, सोचो कि इस प्रकार का ऐसा कभी कभी क्रिटिकल डे आता है, मैं वो वीडियो छोड़ा नहीं, रखा हुआ मेरे लॉक करके तो 1500 वीडियो रखा हूँ, सब थोड़ी छोड़ूंगा क्या, ठीक है ना। लॉ मतलब सब पब्लिश नहीं किया जा सकता ना, वो समय अनुसार पब्लिश करेंगे, जब आएगा उसमें पब्लिश करेंगे। ये पेड़ देख रहे हैं, अस्वस्थ वृक्ष, जड़ी वृक्ष, ठीक है। ये हमारा परिक्रमा वाला पूजा वूजा वाला जगह है, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे घुमा जाता है। कभी भी कहीं भी ऐसे तनाव क्षेत्र आता है ना, आके इसी पेड़ में बैठो, रविवार को छोड़ दो, बाकी टाइम बैठो, 24 आवर ऑक्सीजन आता है, सुनो, ठीक है, ऑक्सीजन जाए। और इस पेड़ में ऐसे बैठ भी जाओगे ना तो आधा तनाव तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। इस पेड़ का चमत्कार, जैसे तुलसी माई है ना, ऐसे ये बट पीपल का भी ऐसा एनर्जी है, आके कुछ नहीं। इसका देखो नीचे एक जड़ है, मैं दिखा रहा हूँ, ये जड़, इस जड़ में क्या करना, आपके पैर का मध्य भाग को रख दो ऐसा, ठीक है, और ऐसे उकड़ी होके बैठ जाना है, किसी भी दिशा में बैठ जाओ, पश्चिम दिशा में बैठना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ बैठ के बाबा जी का मंत्र कर सकते हो, है ना, या श्री बाबा का भी कर सकते हो, विष्णु भगवान का भी कर सकते हो, हैं, रिलीज कर जाएगा, पूरा एनर्जी टान के ले लेगा। इसमें वो ताकत है कि खींच ले एकदम। जैसे देखिए, कल एक माई गुजरात से फ़ोन की थी, क्या बोलती है कि सर आपका बोला मैं किया, 3 साल से चर्मरोग था और 15 दिन में कहाँ भागा कि कोई दवाई खाना नहीं पड़ा, इतना दवाई खाया लेकिन काम नहीं दिया और ठीक हो गया। एक और फ़ोन की थी तो किए थे राजस्थान से, पैसा का भयंकर समस्या था और मैंने ऐसा किया, 108 परिक्रमा किया, शाम तक समाधान हो गया। एक और मोहतरमा फ़ोन की थी, वो हमारे हिंदू और सनातनी नहीं है, दूसरा वाला वो मुछ मुंडे वालों का थी, तो आपका बोले कि हम तो डरे लेकिन जाके किए, तो चमत्कार ये हुआ कि हमारा जो भाग गोया था वो कम से कम शाम को फ़ोन किया। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, अब सब बोलूँ तो 2 घंटा हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये पीपल गच का है, ऐसे ही गौ माता का अगर 108 परिक्रमा का चमत्कार कभी करके देखो, फिर बोलना कि गौ माता और पीपल वृक्ष, गौ गंगा गीता गायत्री, ये 4 हमारे संस्कृति के धरोहर हैं, ये सारे दूर हो जाएंगे, समस्याओं को देख लेना चमत्कार कैसे होता है। तो ये बेसिक बात था कि अभी नवंबर तक इस प्रकार का इम्पैक्ट आएगा, द्वितीय स्थान पे शनि के साथ, सेकंड हाउस में जब विषयोग बनना, द्वादश में उधर द्वादश का गुण दोष दे देना, फिर द्वितीय में आके थोड़ा सा भारी समस्या दे देना, परिवार के ऊपर विषयोग इफेक्ट होने लगेगा, मन खाली फिली खिन लगेगा, तृतीय में कुछ फायदा मिलता, पराक्रम मिलता, सफलता मिलता, पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा, लेकिन पाप कर्तरी में कारण आप उसको एनकेश नहीं कर सकते हो, गुड टाइम बट नॉट एनकेशेबल। सो चतुर्थ में राहु बैठा हुआ है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं आपको, भय भ्रम भूल देगा, डरना नहीं है, ये समझ लेना कि आचार्य संजय बोला है, महीना में 2.5-3 दिन ये समस्या रहेगा। उसके बाद चंद्रमा जाके मंगल को फेस करेगा, क्रूरता देगा, हृदय में प्रेम के जगह में लबरा लबरी के लिए गाली निकलेगा, एकदम मदर फादर लेकर निकल सकता है, वाणी का भाव मंगल बैठा तो अभद्रता दे देता है। अब ये गया 2.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन और 2.5 दिन, 7.5 दिन, पीछे 2.5 दिन, ठीक है, 11 दिन। ये अच्छा, इस बार मकर के, ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, क्या होगा ना, अभी देखो और 2-4 दिन के बाद अष्टम चंद्रमा में हो जाएगा, अष्टम चंद्रमा ना और क्रेसल कर देगा, अब अप टू समझ लीजिए नवंबर दिसंबर तक का है। अष्टम हाउस के ऊपर आपका दिख तो नहीं रहा है, कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन उस अष्टम में बड़ा टेढ़ापन जैसा बना हुआ है। एक तो शनि का सप्तम दृष्टि, राहु बाबा उधर देख रहे हैं, एकदम पंचम नवम में देख रहे हैं, मंगलू एकदम भयंकर रूप में देख रहा है, वहाँ से अष्टम में बृहस्पति बन के बाधा दे रहे हैं, और ये एक प्रचंड क्रूशियल अष्टम स्थान पे इतना ऊर्जाओं का बहाव। अब देखो मैं विगत राशिफल बता रहा हूँ, जो लोग मेरा राशिफल देख रहे हैं पता होगा, करीब करीब
13-14 दिन से भाप बल, भाप बल समझते हो, किसी भी हाउस में ऊर्जा कितना है, अलग अलग भाप बल रहता है, सड़ बल के अनुसार, भाप बल के अनुसार, ग्रह बल के अनुसार, और सबसे टॉप में चल रहा है लियो साइन। अब कितना भी लियो साइन जो भी सिंह राशि वालों को देख लो, जिंदगी आसपास कोई सिंह राशि वाला होगा ना, बेचारे परेशान चल रहे हैं, बिन फालतू का भ्रम, टेंशन, भय, भटकाव, उग्रता, टेंशन, अहंकार का और वृद्धि, और वहाँ डिसीजन लेने का कैपेसिटी में कमी, और जो पीछे से भूल कर करके आए हैं अभी सिंह वाले पछता रहे हैं। तो अब सिंह वाले 7.5 से भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया है। हाँ, कुछ को पता नहीं चलता होगा, वो अलग बात है। तो अष्टम स्थान जब आपका ऐसा ऊर्जावान हो जाएगा तो मकरू वालों का बाधा शक्ति बढ़ जाएगा, तो बाधाएं आएंगे, लेकिन ये सब जो है ना कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है, टेम्परारी इम्पैक्ट है। इसमें आप लोगों को कोई भी भय करने का, डर करने का विषय नहीं है। डरना किसको है वो बता दे रहा हूँ। उसमें जिनको जिनको मेरे को कुंडली दिखाए है या नहीं दिखाए, अपना नक्षत्र से गिन लेना और नवान से गिनना, राशि से गिनने का ज़रूरत नहीं। पकड़ लो आपका शनि छठा चंद्रमा, तृतीय चंद्रमा, एकादश चंद्रमा, फलदायी चंद्रमा राशि से लग्न से तो दिख रहा है, कुंडली के फर्स्ट पेज नवांश ए डे चार्ट 1 में दिख रहा है। आप बड़ा खुश हो, हाँ यूट्यूब से देख लिया, और हमरा में तो शनि बाबा तीसरा में बैठे हैं, हमरा में तो शनि बाबा छठा में बैठे हैं, हमरा में तो शनि बाबा एकादश में बैठे हैं। मार लड्डू खा रहे हो एकदम, बढ़िया है। हमारे लिए का होगा 7.5, हमारे लिए का होगा शनि महादशा। हाँ भाई, कुछ नहीं होगा, यूट्यूब का गुरु लोग हो तुम लोग। लेकिन देखा कि बेटा ऐसा शनि महादशा में भी यार 7.5 में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। आज कमर दर्द से निकला तो कल सर दर्द, कल सर दर्द से निकला तो कल बीपी, परसों, हाँ ये बात भूल गया, जो लोग मकरू वाले बीपी बोल रहे हो वो देखना, ये चतुर्थ चंद्रमा में ज़्यादा आएगा। कुछ मकरू वाले तो 3 दिन से शायद पस्त थे, बीपी के चक्कर में दवाई खा रहे थे, पड़े हुए थे। प्लीज़ डोंट वरी, टेम्पररी इफेक्ट, जरूर मेडिसिन खाएं, ट्रीटमेंट हो, सब करें। आपके लिए जो चिकित्सा मैं बता दिया हूँ, जिनके लिए सहजना का पत्ता का रस जरूर लें, बेस्ट है, नहीं तो सहजना का पाउडर, नहीं है तो हमें संपर्क करें, भिजवाएंगे टन टन, कॉस्टली है थोड़ा सा, इतना पत्थर में इतना होता है, सूखने से कम हो जाता है, लेबर ज़्यादा लगता है, तो मिल जाएगा, उसका चिंता नहीं। और इस समय अगर अनकंट्रोल हो रहा है तो हनुमान का जो यंत्र बताया हूँ, ठीक है ना, चतुर्स्थान यहाँ चाहिए, अभी 9 महीना के लिए बहुत ज़रूरी, हनुमान यंत्र के ऊपर हनुमान का फोटो, और उसमें पीपल का जड़, बर का जड़, और सफ़ेद अकवन का जड़, और बिल्व जड़, ठीक है, और उसके बाद कुसा, दुर्वा, ऐसा करके 9 जड़ उसके अंदर भरे जाते हैं, ठीक है। और जिसको 2 जड़ बोला हूँ, 2 अपना अपना प्लानिटरी पोजिशन, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कमन छोटे छोटे, उसको ये जो आ रहा है अभी ना रवि पुष्या, 5 तारीख पूर्णिमा हो रहा है, रवि शनि के नक्षत्र में रवि पुष्या मिल रहा है, बड़ा बड़ा प्रचंड योग है, आप इसमें ज़रूर कर लेना। और जिनको इसको परमानेंट वाला बनाना है तो करीब करीब 20-25 हज़ार खर्चा होगा, आप लोग उसका पूरा हवन करके 1008 हवन करोगे, हनुमान मंत्र में सिद्धि होगा, और फिर हवन करके वो जड़ियों को एक दिन पहले संग्रह होगा, फिर उसको गंगा जल में, गोमूत्र में, गोबर के जल में, दुग्ध में, पंचामृत में, अगर ये जो दुबा है और ये अकवन, इसको भैंस के मूत्र में, क्योंकि राहु शांति के लिए, उस पर 9 ग्रहों का 9 ग्रह उसमें 9 जड़ी बूटी आ गया उसमें, उसको वो रवि पुष्या में सिद्ध करना, टोटल कॉस्ट अगर आप लोग का पंडित लोगों को पूछ लेना, हमारे यहाँ 20 हज़ार लग जाता, मतलब पूजा पाठ सब खर्चा में है, आप लोग करके पहनो, मेरे पीछे नहीं पड़ना, फिर हमको बोलने लगोगे आप बना के दे दो, हमारा तो अपना कुंडली में टाइम नहीं है, 5 पंडित लगा के रखे हवन करने के लिए, ठीक है। तो उसको रवि पुष्या में सिद्ध हो गया, पैक कर दिए, लॉक कर दिए, उसमें हनुमान जी का सिंदूर गिरेगा, ठीक है, हनुमान मंदिर से ले आना सिंदूर जो लोग के पास, और उसके अंदर पैक हुआ सील कर देना है, हनुमान जी के चरण में छोड़ देना है या हनुमान मंदिर में छोड़ देना है, कितना दिन, 9 दिन,
9 दिन तक पूजा होगा। उसके बाद उसमें सिंदूर, चंदन, फूल, धूप, दीप, भोग, नवग्रह का भोग सब वहाँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद जाके 9 दिन के बाद मंगलवार शनिवार के दिन मंत्र करके उसको धारण करना है। मंत्र हनुमान जी का ही रहे, ठीक है। तो ये है हनुमान कवच सिद्धि नवग्रह शांति हेतु। और अगर जिसको खाली शनि का बोला हूँ उसके लिए ये बता दिया अभी है। और अगर आप लोगों के आसपास सामूहिक तौर पे करोगे, जैसे 10-25 मकरू वाले भिड़ गए और करने लगे, तो घट जाएगा रेट। जहाँ मैं एक आदमी अकेले करेगा तो 20,000 लगेगा, और अगर आप सामूहिक तौर पे करोगे तो एक जो ताबीज है उसका कॉस्ट करीब करीब 5,500 तक आएगा, ठीक है। वो करता क्या है ना, जब पंचम स्थान यहाँ हृदय पे लगाते हो तो आपको इतना जल्दी कोई ओवर पावर नहीं कर सकता। बॉडी में सैटर्निक एनर्जी जो भी है वो उस कंट्रोल लेन पे लेके आता है। यहाँ नहीं पहनना, यहाँ पहनना, किसी को नहीं दिखाई दे। चौथा, कोई भी भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन तंत्र मंत्र जंतर गुणी गारड़ी ऐसा कुछ होता है तो वो कवच के रूप में काम देता है और रिवर्स एक्शन करता है। ये चांदी का, अगर तुला लग्न वाले हो तो कोशिश ये करना है कि कोई भी यंत्र हो तो उसमें थोड़ा सा यू मस्ट पोर सम चांदी, और चांदी का लॉकेट हो तो और बढ़िया। तो चांदी का वही आ जाता है 1,000-1,500 के अंदर, पतला माल में 500-550 के अंदर। तो आप देख लो अपने इलाके में, ये बता दिया फॉर्मूला। ये एक यूनिवर्सल भी है और पर्सनल भी है। पर्सनल लेवल तो यही होता है, जैसे किसी का कुंडली देखा और ये यंत्र उसमें नहीं देना है तो उसके लिए नहीं देना है। कोई चीज़ और एडिशन करना है वो पर्सनल लेवल पे, लेकिन ये सामूहिक बता दिया। इसलिए मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं रेमेडी नहीं देते हो। रेमेडी इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि बैकफायर करता है। बैकफायर तभी करता है जब जो चीज़ सूटेबल नहीं है। आप तो देख लिया मकरू के लिए ये करना, अरे मकरू के लिए करना, मकरू धनिष्ठा के लिए भी वही करोगे, मकरू उत्तराषाढ़ा के लिए भी करोगे, मकरू श्रवणा के लिए भी वही करोगे। नक्षत्र जोन, क्योंकि हम लोग नक्षत्र बेस और नवांश बेस में करते हैं, वही कहानी मैं बोल रहा था आपको। हम लोग राशि बेस में, लग्न बेस में कम करते हैं कि उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहता है, लेकिन आप लोग यूट्यूब देख देख के भेजा खराब करके रखे हो। तो क्या है बताता हूँ सुनो, बहुत से लोग बोलते हैं हमारा तीसरा में शनि बैठा है, छठा में बैठा है, दो एकादश में बैठा है, राजयोग है, बढ़िया है, है तो फिर फल क्यों नहीं दे रहा है। कल ही एक दिल्ली साहब बला का साहब को बोला, अरे यार एकादश का शनि लेकर डरते हो, एकादश में बैठा है लेकिन फाड़ के रख दिया है एकदम, मरम पट्टी करने से नहीं लगता है, मोची का आठा ला के लगाते हैं नहीं सटता है, मोची का आठा चमड़ा वाला नहीं सटता है। हाँ बोला ठही बात, क्यों? क्योंकि शनि बाबा नक्षत्र पद के अनुसार विपद नक्षत्र में बैठे हैं, ये बद्ध नक्षत्र में तो अलग फाड़ता है, संपद नक्षत्र, नक्षत्र से मतलब गिनो तो नक्षत्र से कहाँ से यार। हाँ सर, विपद नक्षत्र में। तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिनों दिन। पकड़ लो अभी सर्दी ठीक हुआ, कल खांसी ठीक हो गया, परसों सर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, गैस खटी डकार, परसों फिर कमर दर्द, नर्सों फिर आ गया बोला पैर दर्द, फिर चलते रहता है। आज कोई पैसा नहीं दिया, पैसा आया आया नहीं, आया गया नहीं, गया राम आया राम, हर दिन कुछ ना कुछ विपद नक्षत्र में फूक फूक के चलना पड़ता है। और विपद नक्षत्र वालों के तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे 7.5 ढैया में अनकंट्रोल्ड एनर्जी, इनको हर दिन कुछ ना कुछ कंट्रोल का काम करना पड़ता है। जैसे अगर बद्ध नक्षत्र में पड़ा, ये नक्षत्र से बोल रहा हूँ, तो बद्ध नक्षत्र में पड़ा शनि वहाँ आपके कुंडली में, बेटा मत बोलो, और ऐसा आदमी का जिंदगी पस्त रहता है एकदम, हालत टाइट, हर दिन तो प्रॉब्लम आएगा आएगा। उसको बोलते हैं ना नीम का पेड़ में करेला चढ़ा, इधर देख रहे हो कि तीसरा छठा एकादश में शनि बढ़िया फल करता है, सब यूट्यूब वाले बोल रहे हैं, लेकिन हमारा तो फटा हुआ है, क्या चीज़ करते हैं अब बोलो, ठीक है। तो ऐसे बद्ध नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ हनुमान यंत्र, हनुमान मूर्ति कवच के साथ उनके लिए एक और करना पड़ता है। मैं बोलूँगा ना फिर तो आप लोग ओवर पावर कर लेके उसको दुनिया काम करोगे, इसलिए उसको नहीं बोल रहा हूँ, वो जिसका देखता हूँ उसको बोलता हूँ, ठीक है।
वही है, बोला काली फोटो देखना, वो काली मंत्र जग जप करके शमशान में बैठा, जब धर्मरा मरने का कंडीशन आया तो आया, तब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही होता है, उनको लगता है कि जल्दी फल मिल जाएगा कुछ। अरे शनि माने स्लो, जल्दी कैसे दे देगा, ठीक है। और वही बंदर का बादाम खेती, बादाम लाया लगाया, फिर डेली सुबह जाके देखते हैं। तो 15 दिन हुआ कुंडली दिखा के नहीं, रेमेडी बताया क्या नहीं, हाँ फल नहीं मिल रहा है। तो क्या बोल रहे हो यार, 5 साल से मर रहे थे, हिसाब नहीं मिला, अभी 15 दिन का रेमेडी किया, फल नहीं मिल रहा है। बंदर बंदर लोग अगर बादाम खेती करेगा, रुको तो रुको जरा, काहे चीज़ हड़बड़ी हो, ऐसा मिलेगा कि एकदम, हम आज तक फैले नहीं हुए हैं कहीं पर, आज तक नहीं हुए। अब छोड़ भी रहा हूँ, वो रुद्राभिषेक की शादी नहीं हो रहा था, हो गया, उसका माँ मरने की कगार में थी, ऐसा ऐसा हम, वो तो वीडियो सब छोड़े, वो लोग आके मेरे सामने मिठाई दे के बोल के गए, आए थे इतना कहाँ, बेंगलोर से कहाँ से, सोचो पगला लोग मिठाई देने आए गए, लो ठीक है। तो एक माई देखो गुजरात से, वो भी अभी सब आओगे, मैं टाइम दे नहीं पाऊँगा, उतना टाइम नहीं है मेरा यहाँ, फिजिकल लेवल पे आप मेरे को अपॉइंटमेंट लेके आना है, टाइम नहीं होगा, नहीं फिजिकली मैं आपके सामने देख, अभी देखो मोबाइल में क्या है ना, काट कूट भी दें आधा घंटा एक घंटा में, सामने आके बैठा तो कहाँ छोड़ के जाएं, तो सीधा लगा दिया बेटा 5,000 होगो, फिर पर्सनली बात करो, छोड़ते ही रहिए। अच्छा गुरुजी ऐसा होने से कैसा होगा, अबे तेरी कहाँ, मेरे पास उतना टाइम है, फिजिकल अपॉइंटमेंट जितना टाइम दिया उतना टाइम, उससे ज़्यादा नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अब कितना दया, किसको किसको दया करूँ, नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा तो आगे बात करता हूँ, मेरा ये तो बता दिया नक्षत्र लेवल से, दूसरा उसमें नवांश देखो, सामने दिख रहा है तीसरा, सामने क्या दिख रहा है, शनि बाबा तो तीसरा में छठा में ग्यारह एकादश में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। फिर कोई आचार्य संजय बोला कि तारा बल भी देखना है, तारा स्थिति भी देखना है। हाँ जी गुरुजी, हमारा तो शनि बाबा संपद में बैठे हैं, संपद देंगे, हाँ देंगे, कहे नहीं दे रहे, नवांश देखो हैं, इकरा भी देखना होता है, ये का है, अरे वो तो कोई यूट्यूबर बोला, नहीं बोला, नहीं बोला ना, हम बोल रहे हैं, देख देखा कि वहाँ शनि जाके शत्रु नवांश या नीच नवांश में बैठा है, बस 7.5 हुआ तो शत्रु बढ़े, नीच नवांश में बढ़ा तो नीच लोग आ गए, नीच लड़का, नीच लड़की, नीच धोखा देने वाले सब आके खड़े पता नहीं है तेरी, इसीलिए इतना धोखा मिल रहा है, षड्यंत्र मिल रहा है, और इतना कचड़ा लोग सब आके मेरे ही दिमाग खा रहे, बोले हाँ वो कब बचे, बोले खत्म खत्म होने दो, ये लोग जो है लोग दिखाई नहीं देगा, सब भाग जाएगा, डाइन चिरगिन भूतिन पितिन पिसाचिन सब भागेगा, वही नहीं रहेगा, तो फिर क्या करे, बोले क्या करना है, ओकरा कोनो रमड़ी रमड़े रमड़ा दीजिए, हमरे को मरना है, तुमरों को भी मरना है, कैसे कहते हो यार रमड़ी दे दो, देखना पड़ता है ना क्या एनवायरनमेंट है, किस घर में जाके शत्रु नवांश में है, क्या क्या बहुत कुछ देखने के बाद किसी को रेमड़ी रेमड़ा देते हैं यार, आप लोग बोलते हो रेमड़ी नहीं बोलते हो, खाली फेंकते हो, एक तो फेंक रहा है उधर से, आप इधर से फेंक रहे हो, हाँ तो समझो ना, फेंकू ही है, क्या हो गया, एक फेंकू देश का, जब इतना बड़ा आदमी फेंकू बोलते हो, हम तो छोटे आदमी हैं, है ना, ऐसा है प्रभु, जो रेमड़ी रेमड़ा है ये सब बड़ा सटीक से होता है, बहुत कुछ को विचार करके सोच के समझ के पूरा, मतलब टाइम लेते हैं, किसी किसी का आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीना से कुंडली डाल के बैठे हैं, नहीं मिल रहा है उत्तर, नहीं मिल रहा है, डबल आंसर मिला तो माई के पास फूल भी दिए तो फूल सड़ जाता है, गिरता नहीं, दिया भी जलाते हैं बुझ जाता है, ऐसे कंडीशन में मैं कहता हूँ रुको, मेरे पास उत्तर नहीं है, हम ब्रह्मा नहीं है, एक निर्णय के लिए ऐसे भी हैं, और जिसका दे दिया तो निकल गया, तो निकल गया, इतना पूजा पाठ ध्यान जप करके जब उत्तर देने नहीं मिल रहा है तो मैं बोला दूसरे ऐप से पूछो, बहुत सारे ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं, 201 रुपया में उत्तर दे देते हैं, तो उसको 201 देते हो तो हमरे को प्रश्न करोगे तो हम का पाप किए भाई, हम भी तो खाली नहीं बैठे हैं,
समझे ना बात। और जिनका जिनका ये जो फ्री ट्रैक फ्री लाइन वाले हैं, मैं आपको कुंडली देख के व्हाट्सएप में ही मैसेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि बतियाएंगे ना तो आप छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है, एकदम लथाड़ के रखोगे। इससे फिर ऐसे कहाँ से होगा, ऐसे से फिर ऐसे कहाँ होगा, यूट्यूब में वो बोला था, आप ये बोल रहे हो। हाँ तो भाई, हम बुड़बके नु हैं, बोलेंगे नहीं तो क्या करें। ठीक है। तो इस सब के दौरान कभी कभी हम लोग भी मेंटल स्टेटस हराता है, ऐसा कभी मत सोचिए कि एकदम सपोर्ट में रहता है ना, हम भी हिलते रहते हैं कभी कभार। ऐसे कोई पनौती कुंडली देख लिया ना, वो दिन एकदम मुश्किल। और एक मोबाइल को बचा के रखा हूँ जिसमें एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं करता, टोटल 7 मोबाइल और 7 का 7 फटे हुए, विश्वास नहीं करोगे, जो मोबाइल मेरा पकड़ोगे फटा हुआ है, जहाँ कुंडली ऑपरेट किया फटेगा, कहीं नहीं गिरा, गिरने का नहीं। एक ही मोबाइल गिरा, वो उस समय जब सीरीज बना रहा था शनि बाबा का 7.5 में धन प्राप्ति का सीरीज, तब एक गिर गया, शनि बाबा मना कर दिया और मत बना, बहुत बता दिया, मैं थोड़ा सा गुप्त अति गुप्त रहस्य में जा रहा था, तो उस समय उसके बाद से और नहीं बनाया वो सब। शनि बाबा थप्पड़ मार रहे थे, रोक गए, तो हट चुप मत बोल, अकल विद्या सब खोल के रख दोगे कैसे हो। तो वो 27,000 का गया, लेकिन 7 का 7 मोबाइल, ये होता है एस्ट्रोलॉजी विद्या। हम लोगों का भी जिंदगी हिला हुआ रहता है, ऐसे मत सोचिए कि एकदम शांत हैं, बहुत इतना सारा करके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है खेला, और उसमें से आप लोग क्या करें, आप लोग भी समस्या में हो समझता हूँ, आप लोग का भी दुखी हो समझता हूँ, भगवान इस सीट में बैठाया कि डेली दुख सुनना पड़ता है। एक आदमी खाली मिला, एक आदमी, वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का, एक उसका वीडियो नहीं छोड़ा हूँ, छोड़ूंगा बहुत जल्दी, रखा हूँ। बोलते सुखी हैं सर, और सुख कैसे बढ़ेगा उसके लिए कुंडली दिखा रहे हैं, है ना। और उस समय मेरा रेट चल रहा था 2100 रुपया, तो बोले और 2100 दे रहा हूँ ले। और फिर मैं बोला देखो ये रेमेडी दे रहा हूँ, मेरा गुरुजी का है, उनको 101 देना पड़ता है, तो उसके लिए 1001 भेज दिए, बोला लीजो गुरु को दो। एक आदमी मिला सर इतना दिन में, जो बिंदास सिंह यादव है, पूरा बिंदास, ठीक है। और अब तक सारे दुखी सुनाते हैं, ऐसा हो गया, फट गया, टूट गया, उठ गया, सूट गया, कोई बात नहीं, उनका अच्छा समय चल रहा है। अच्छा, वो भी कोई छोटा मोटा मतलब जंतु नहीं है, बड़ा मिनिस्टर लेवल के हैं, सुपर लेवल के हैं, नाम लेना नहीं चाहता इसलिए बोलता नहीं नाम, मतलब एक ही व्यक्ति मिला जो बोलता है सुखी हैं और सुख प्राप्ति के लिए मुझे कुंडली दिखाना है। वेरी गुड सर, शाबाश, बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूँ ऐसे व्यक्ति को। काहे बोलो, ISOS रैंक का आदमी है, सरकारी वकील है, और मिनिस्टर का सीधा सीधा मतलब गवर्नर के बाद इनका ओहदा है, तो बुद्धिमान तो हो ही। बहुत बुद्धिमान है। का बोले जानते हैं, सुखी हैं और सुख कैसे मिले, माने का इन महात्मा को पता है कि अगर सुख मिल रहा है तो इसके अंदर और सुख होगा। क्योंकि जब होता क्या है ना, ये बताता हूँ आपको, जितने आदमी के पास गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सुखी हैं, आनंद है, मज़ा में हैं, मस्ती में हैं, इनको लगता है कि हमारा तो हो गया, एकदम बढ़िया चल रहा है, नो टेंशन। अरे बुड़बाक, उसके अंदर और है, तुम्हें नहीं मिल रहा है, नहीं समझे। एक वो आदमी सरकारी पियन होकर बड़ा खुश है, देखो देखो सरकारी पियन, गुड, तो कुंडली देखा, बोले पाबू पियन नहीं रही, तुमको ऑफिसर बनना था, पियन में खुश हो रहा है, बोले हाँ देखो ये कुंडली का स्थिति है। वाह, फिर बोला, फिर कहा तुम तो भालू के पूंछ में खुश हो, तो भालू का सर कहाँ से पकड़ोगे, मतलब निचले में खुश हो तो ऊपर कहाँ पहुँचोगे, तो ये जरूरी है। तो ये बुद्धिमान आदमी हैं, पंडित जी हैं, बहुत बड़ा पंडित जी भी हैं, ब्राह्मण है, तो उसी समय दिखाए। तो ऐसे मैं आप सबको इनके माध्यम से आप सबको कहना चाहूँगा कि देखो पंडित लोग, महात्मा लोग, सब्सक्राइबर लोग, दोस्त, ऐसा है कि एक नंबर बात है कि अगर आपके पास है तो याद रखना इससे ज़्यादा होना चाहिए था,
नहीं है, यानी आपका औकात अरबों में है, आप लाख में खुश हो, तो कहीं ना कहीं तो ये ज़रूरी है कि आप उस एनर्जी को पहचानते, उस एनर्जी को बैलेंस करते, लेकिन तनिक में खुश हो, ये बात। दूसरा ये है कि अगर दुख मिल रहा है ना, इससे ज़्यादा मिलने वाला था, कहीं ना कहीं से हम जैसे पगलू लोगों को सुन सुन के दिमाग ठीक हो जाता है, समझे ना। और जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, चिंता मत करो, आपके लिए पूजा पाठ चल रहा है, एक भी रुपया दे दिए हो ना तो आचार्य संजय छोड़ेगा नहीं, वो पैसा लेके अग्नि में सुहा करेगा। अरे हम लोग देते हैं, अभी जैसे आपको पता नहीं है, ये 2 तारीख से बहुत बड़ा हवन हम लोग का होने वाला है, 5 दिवसीय हवन होगा हमारे यहाँ, कर रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, वो प्रचंड यज्ञ है, आप देखोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा यज्ञ। नहीं, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं, आग जलेगा, पत्थर लकड़ी डालेंगे, लेकिन उस यज्ञ में जो विभूति है, बहुत कष्ट वाला आदमी है, पूरा विश्व के लिए कष्ट झेलते हैं, ऐसा गुरुजी हैं वो। तुलसी का पत्ता को कभी देखे हो यज्ञ में स्वाहा करते हुए? ज़िंदगी में नहीं देखे होगे कि तुलसी का पत्ता मंत्र लिख के घृत में डाल के स्वाहा करे, वो एक आदमी है। मैं तो ज़िंदगी में इतना साल सारा बाबा टाबा मावा कावा ढावा हर आश्रम अखंडानंद पखंडानंद से लेके जितने सारे सभी आश्रम जा चुका हूँ, आज तक नहीं देखा कि कोई तुलसी का पत्ता को अग्नि में सुहा करते हो, वो एक आदमी देखा। और बड़े बड़े मैटर सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लेके अपना जो भी एक्स्ट्रा है ना वहाँ देते हैं, मैं देता हूँ खुद जा, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, बोलने से तो पाप हो जाएगा कि हम देते हैं, ये शब्द दान का अगर मुंह में बोल दिए, गुप्त दान, गुप्त दान होना चाहिए। लेकिन मैं अभी इस भूमिका में हूँ कि आप लोग सीखो, क्या जीवन में जब जब संपत्ति आए दान करो, जब जब विपत्ति आए दान करो, काहे बोला, मैं नहीं बोला, मेरा शब्द नहीं है, बाबा श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय प्रभु पूज्यपाद, ये मुरारी बापू का शब्द है, उनके प्रवचन से सुना था, और मैं किया हूँ जीवन में, पाया भी हूँ। देखो मैं भी आम आदमी हूँ, मंगल यूरेंस नेपच्यून से नहीं आया, मेरे भी जीवन में संकट विपत्त आते हैं, अनबियरेबल, अनकंट्रोल्ड, और हम लोगों का ज़्यादा आता है। तो संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए तो आँख मूंद के दान करो, कट जाएगा, टल जाएगा। और मेरा पिताजी एक ही बात बार बार बोलते हैं, सुबह से शाम एक ही रटते हैं, दाने दुर्गति क्षय, बेटा दान कर, और जब दान लाता है तो बड़ा सावधान, ये दक्षिणा लेते हो ना, बड़ा सावधान, गलती से मुंह में नहीं घुसना चाहिए, और घुसे तो सही दक्षिणा के साथ उनका प्रायश्चित होना चाहिए। हम पंडित हैं दूसरे का पाप खाने के लिए, भगवान ने वो जेनेटिक मॉडिफाई किया है हमारे अंदर, वो स्ट्रेंथ दिया है कि हम दूसरे का पाप को झेल सकते हैं, वो चेतना है, वो कॉन्शियस है। लेकिन ऐसे नहीं है कि दारू पी के आओ और बोलो कि हम किसी का कर दें, भांग घोट के पियो और बोल दो कि हम किसी का कल्याण कर दें, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको साधना बल चाहिए, वो ताकत चाहिए, वो आध्यात्मिक बल चाहिए, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे मंत्रों को और देवताओं को ट्रिगिंग किया जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रिग किया जाता है, फायर किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता देन तुम फंस जाओगे ऐसे सब दान दक्षिणा लेके, और बुरी तरह फंसोगे। इसलिए अपना भी दान करते रहो। तो ये पिता के आज्ञा हैं, गुरु आज्ञा है, शास्त्र का आज्ञा है, और हमारे जैसे हमें भी जो दीक्षा दिए हैं वो गुरुओं का भी आज्ञा है, तो देते रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, तो सेव हो जाओगे। और आप सबको बोल दूं, जब जब ऐसे मकरू बालों का, तो अभी पूरा चलेगा 9 महीना तक, और ये साइकिल चलेगा टेंटेटिवली, मतलब द्वादश चंद्रमा से पंचम चंद्रमा पूरा सीरियली पाप ग्रहों का इफेक्ट, पाप कर्तरी का इफेक्ट प्रॉब्लमेबल। बाकी लोगों का सर नहीं होता है, बोला नहीं होगा, क्यों, 7.5 नहीं है, क्यों, महादशा नहीं चल रहा है, इसलिए उनको तो नहीं होगा, हमें क्यों होगा। अरे हमारा बेस एनर्जी ना, बेस एनर्जी समझते हो, शनि का 7.5, मकरू का, कुंभ का, मीन का, तो वहाँ जो बेस एनर्जी होता है ना, वहाँ से कंप्लीट 40% तो माइनस कर दो कि ये आपका असुभता में गया, पनौती में गया,
नहीं समझ में आया? देखो जब हम राशिफल बोलते हैं और किसी को बोलते हैं प्लस प्लस गो गो, चलो बढ़िया है, गुड बेटर बेस्ट, हम अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, कोई और बुलवाता है, गुड बेटर बेस्ट सॉलिड शाबाश रॉक, मतलब ओपन है रास्ता, चलो ग्रीन सिग्नल। लेकिन जहां बोलते हैं कि इतना प्लस प्लस इतना माइनस, तो कुछ देख के बोलते हैं। तो शनि साढ़े साती का राशिफल बोलने के समय, चाहे वो मकरू हो, मटका हो, चाहे मछली, मकर कुंभ मीन, सबसे पहला आज के डेट में मकरू बालों का 30% माइनस कर देना, वहाँ से आँख मूंद के। मटका बालों का, कुंभ बालों का 45-50% शुभता माइनस करो। वो मूल राशि में आ गए, त्रिकोण में आ गए, तेरा बाप का घर, कोई मतलब नहीं उसका। यही तो, ऐसे ही तो मकरू बालों को बोला गया था, शनि अपने घर में आ रहे हैं, घोड़ा डिम देंगे, बाबा जी का ठुल्लू देंगे और पांच उंगली घी में रहेगा, सबका कल्याण हो जाएगा। देख लिया 5 साल में मकरू बालों का हालत, पस्त होकर रह गया। अफेक्ट मीन बालों का शुभता एनर्जी से सीधा सीधा 60 नंबर काट दो, 40% पे चलेंगे। ये बेस एनर्जी बोलते हैं, बेस एनर्जी समझते हो, जो पूरा फाउंडेशन है वो नीचे ही फंसा पड़े हैं वो लोग, तो बाकी इतने बाकी जो ऊर्जा है उसमें काम करना है। अगर बेस एनर्जी क्या नहीं समझे, यंग गुड़गुड़ होने वाला नहीं है, लया दो अंतस्तड़ा चेपस्तड़ भाई नहीं होगा। देखो जिंदगी में आप लोग ऐसा समय देखे होंगे जहाँ नो प्रॉब्लम जोन होता है, नो टेंशन जोन होता है, सब काम आसान से चलता है, मज़ा से चलता है, मस्ती से चलता है, जीवन पता ही नहीं चलता है कि कुछ तनाव है, टेंशन है, दुख है, पीड़ा है, जिस काम में हाथ मारते हो फटाफट हो जाता है, एकदम पैसा आते रहता है, जाते रहता है, बिजनेस में लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा, हर दिशा से गुड है, बेस्ट है, बेटर है। लेकिन ज्यों ज्यों साढ़े साती आना चालू होता है, तब तब फिर समझ में आता है कि ज़िंदगी माने क्या, स्लो डाउन माने क्या, बाधा माने क्या, टेंशन माने क्या, तनाव माने क्या, लॉस माने क्या, जिनको अपना समझते हो अपना माने क्या और पराया माने क्या। फिर अभी जो लोग साढ़े साती पार हुए ना, 5 साल वाला और 7 साल वाला धनु, वो लोग बोलते हैं सर साढ़े साती इतना सिखाया कि मत बोलो, ज़िंदगी में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल मास्टर टीचर गुरु नहीं सिखा सकता, 1000 प्रवचन में नहीं सीख सकते थे जितना ये साढ़े साती साल में, 7.5 साल में शनि बाबा ने सिखाया। करेक्ट सर, गुड, एकदम ठीक, यही काम है शनि का, ऐसा सिखा देते हैं कि आगे आप फेलियर हो गए ही नहीं। और इसीलिए बोलते हैं शनि के साढ़े साती में आदमी के लिए गुड, ग्रेट, ग्रैंड, गोल्ड, गोल्डन पीरियड शुरू होता है। क्यों? सीख लिया, अब वो किसी को विश्वास नहीं करेगा, वो फूक फूक के चलेगा, वो जानता है कि आज अगर मेरे पॉकेट में करोड़ों रुपया पड़े हैं तो कल भिकमंगा भी होना पड़ेगा, आज का राजा कल रंक बन सकता है, उसको उसी हिसाब में चलना है। वो रास्ता में देखा हुआ कोई गरीब को कभी भी और घृणा के दृष्टि में, नीच के दृष्टि में, हीन भावना के दृष्टि में नहीं देखेगा, वो सहायता देगा उसको, लो बेटा खाओ पियो। वो देखेगा कि अगर मैं कल गिरा था तो आज जो बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री वाला, अरबों वाला जो अपना घमंड दिखा रहे हैं, कल ये लोग फिर नीचे नाक रगड़ेगा, इसलिए किसको अहंकार नहीं करेगा। और बड़ों को भी और छोटों को भी साथ में लेके जाएगा, शत्रुता किसी से नहीं करेगा, क्यों? शनि बाबा सिखा दिए, अपने तरफ से शत्रुता कभी वो नहीं करेगा, स्वाभाविक बात है। अब चल रहा हूँ तो भी तुम माफ करो ना भाई, अभी भी फोन करोगे कैसे होगा। तो शनि के साढ़े साती आखिरी जब समापन होता है, इतना सारा बीमारी, रोग, पीड़ा, धोखा देते हैं, मिल जाता है कि आदमी सीख जाता है कि किसी से 100% बिलीव मत करो, आज का जो दोस्त है कल दुश्मनी कर सकता है। वो सीख जाते हैं साढ़े साती से निकले हुए,
अपने बाप को भी सीक्रेट मत बताओ, अपने किसी को मित्र को सीक्रेट मत बताओ, क्योंकि कल किसी भी रूप में आपका सीक्रेट को लेके ये धोखाधड़ी और गद्दारी कर सकता है। यानी 7.5 में सबसे नियर, डियर, क्लोज और जिसको आप अपने पास खिलाए पिलाए, पैसा दिए, दोस्त समझे, अपना समझे, सर में बैठाए, वही धोखा देता है। तो दूर वालों को धोखा का डर नहीं रहता, जो दूर है उसको काहे डरना, पास वालों को। अभी सोचो मीन वालों को अगर किसी को समझाओगे, हे मछली अभी 7.5 शुरू हो रहा है रे, और ऐसा ऐसा होगा, हमरा का होगा। हाँ मछली तो ठीक बोल रही है। मीन राशि मीन लग्न को बोला, ए बाबू इन्वेस्ट मत करो, भयंकर लॉस होगा, पीछे मकरू लोग लॉस में हैं, हमरा का होगा, हम तो तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ सब जानते हैं, हमरा ई गुरु है, इससे दिखा लिए हैं। हाँ बाबू मछली लोग कौन समझाए तुमको। फिर मछली लोग को अभी किसी को समझाइए, ए बाबू शाम को 5 बजे से ले कर 8 बजे तक घर से नहीं निकलना, कुछ भी हो सकता है, हमरा का होगा, हम तो सांड हैं, हम तो ये पूजा पाठ करते हैं, ये तंत्र मंत्र जंत्र। हाँ बाबू, अब जब उसका पैर में कार चढ़ गया ना, तब बोला अरे गुरुजी आप सही बोले थे यार। ठीक है, तो अभी 7.5 वालों को अकल आ रहा है, उनको थोड़ा लेट में आएगा। अभी किसी मीन वालों को समझाओगे, ए मछली ऐसा करो कि जो लभरा लभरी का काम कर रहे हो, गुप्त संपर्क रखे हो, इलीगल रिलेशन रखे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हो ना, कोई जो लड़की है तनी बच के रही हो, धोखा दे सकती है, बदनाम कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, फंसा सकती है, तेरा फोटो वोटो उठा के निकाल के ना छुपे हुए फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर में यूट्यूब में छोड़ सकती है, तनी सावधान रहना। हो बुड़बक कौन नहीं जानता है, अहंकार करता है, ये हमरा को समझाने आया है, इकरा को कुछ पता नहीं है, हमरा प्यारी है, लभरी है, लभरा है, बढ़िया है, बहुत प्यार करती है, हमरे को पैसा ला के देती है, कौन? अबे मूर्ख, ए मछली इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट मतलब का चीज़ में? तोरा में, तुम बुड़बक है न। हमको बोलते हैं अरे आप गुरुजी नहीं जानते, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और हमरे बीबी से भी अच्छी है, रखा हुआ हमको गिफ्ट देती है, हमको हमरे से पैसा नहीं लेती है गुरुजी। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, तुम बुद्धिमान है, हम गधा। अरे आप सबको कुछ पता नहीं है, आप सब ये सब एस्ट्रोलॉजर लोग हैं ना, बाबा टाइप आदमी, हम लोग थोड़ा भोगी आदमी हैं, संसार का भोगी होगी, आपको पता नहीं चला। जब आपके पास होता ना ऐसा वाला मीठा वाला हनी डनी सनी मनी, बोले बे हनी डनी ठीक बोला, सनी बोला ना, यहाँ फंसेगा है ना, बुरी तरह फंसेगा बाबू। नहीं माना, ऐसा मटका वालों को भी समझाया था, मकरू वालों को भी समझाया था। और सनी के 7.5 में जो वहीं से मार पड़ा ना, अपना इलीगल रिलेशन और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुप्त संपर्क, पड़ा एकदम भारी भरखम, एकदम फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर हो गया, एकदम बदनामी, नाक कट के एकदम कट गईल। तब बोला पंडित जी, बोला का हुआ रे? सही कहे थे गुरुजी। बोला का हुआ? हम अपने से खिलाए पिलाए, घर दिए, ड्रेस दिए, कपड़ा दिए, मकान दिए, सब पैसा पत्र सब दे दिए, का नहीं दिए कहिए, लेकिन आज के डेट में ना इतना ब्लैकमेल और इतना झोल झमेला, झंझट झगड़ा, बदनामी, उसको कितना समझाते हैं नहीं समझती है। अरे बाबू कहाँ से समझेगी रे, शनि बाबा तो उसके सर में बैठे हैं जाके, तेरा फाड़ने के लिए अच्छा से फाड़ेंगे फोड़ेंगे, और का वो बोला तनिक कुछ मंत्र तंत्र जंतर जादू टोना कुछ है तो बता दीजिए, हमारा लभरा आ जाए, हमारा लभरी आ जाए, कोनो है तो कर दीजिए, थोड़ा सा आप करने वाले जैसे लगते हैं, एकदम हमारा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, कर दीजिए। बोले अरे बुड़बक, शनि के 7.5 में अगर तुमको धोखा नहीं मिले अपने लोगों से तो फिर किसे मिले, ये तो सिखा रहा है, हम क्या करें ना, ही सीख रहा है, सीखो बढ़िया से सीखो कि ज़िंदगी में ये सब और नहीं करोगे। 7.5 का मार चल रहा है, हम अगर बचाने जाए ना तो हमरे को ठोकाई पड़ेगा, तुम्हारे लिए दू भी मंत्र कर दें, माला कर दें, हवन कर दें, पहला मार, अरे पड़ता है हम लोगों को, मटका वाले के लिए भी खाए हैं, मकरू वालों के लिए भी खाए हैं, अभी मीन वालों के लिए खाने का टाइम आ गया,
सीख लेता है। 7.5 में आदमी सीख लेता है कि पैसा का कीमत क्या है। एक एक पैसा के लिए जब आदमी रोता है ना, जिस समय पैसा का दुरुपयोग कर रहा था, दोनों हाथ से लुटा रहा था, एकदम चला गया एकदम डांस देखने के लिए और दोनों हाथ से लुटाए, बोला देखो हम कितना गरीब, एकदम बहुत बड़ा नवाब, बाप का पैसा है, फेंका पैसा, उठा उठा के फेंका। आज वही पैसा नाक काट रहे हैं, रोना पड़ रहा है, बच्चा का पैसा नहीं है ट्यूशन में, ट्यूशन फीस भरने के लिए, स्कूल फीस भरने के लिए। तो ये आचार्य संजय का कुंडली कहाँ से पैसा दिखा के दिखाएं, मुफ्त में लाइन लगाए हैं, पता नहीं 117 दिन बोल रहे थे, पार हो चुका है, समझे कि ना। तो पैसा के साथ दुरुपयोग किया, बिबिया के साथ, बिबा के साथ, लवरा के साथ, लवरी के साथ। तो ये पूरा ट्रेनिंग हो जाता है यहाँ 7.5 में कि आप जिंदगी में जिस जिस विषय को इग्नोर किया, हल्का में लिया, दुरुपयोग किया, उन सब को तोड़ मोड़ फोड़ के रोड़ के रख देते हैं। और फिर सनी बाबा हम लोगों को डेपुट किया है, ऐ का कर रहा है रे, बोला ये हम तनी गाना बजाने का वीडियो बना रहे हैं, चुप बोड़ बक जा, हमारे लिए बना, सनी बाबा के लिए बना। अरे हम तुमको देंगे ना, मोनिटाइज कर देंगे चैनल, काहे डरता है तू, काम तो करो। तो हम फिर हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के चक्कर में, अभी मकरू मटका मछली सबके लिए बना रहे हैं कि भाई डरो मत, सही रास्ता में चलो, अध्यात्म में करो। काहे मोबाइल पकड़े, पॉडकास्टिंग कर रहे हैं यार, इधर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, इधर से हो रहा है, नीचे लिखाई भी चल रहा है। हाँ का करें, करना नहीं पड़ता है, तो एक ही में थोड़ी ना हो जाएगा कि यूट्यूब का इंतजार, पॉडकास्टिंग भी करना पड़ता है। तो अभी ये फिर से मैं बोल दूँ मकरू वालों के लिए और मटका वालों के लिए भी, और मछली को अभी समझ में नहीं आएगा, काहे काहे अभी 25वां नक्षत्र में चल रहे हैं ना, तो आदमी को महामन को मूर्ख बनाते हैं, तो उसका भूल जाओ, मीन वालों को छोड़ दो, 5 साल के बाद वो लोग उस समय 10,001 रुपया दे के कुंडली दिखाएगा, अभी होश नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे मकरू और मटका मतलब कुंभ, ये जो 5 से 7 दिन हर महीना का ये परिस्थिति रहेगा, इसका कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि टेम्प्रेरी इफेक्ट है। और चंद्रमा जैसे जैसे शनि के ऊपर, राहु के ऊपर, मंगल के ऊपर गोचर करेगा, आपके वीक हाउसेस में नहीं गोचर हो, आपके कुंडली का वीक हाउस नहीं है, अरे चतुर्थान भूमि भवन भान माता सुख मन का है, तो वीक कहाँ हो गया, स्ट्रांग है। पंचम स्थान प्रेम शिक्षा ज्ञान विज्ञान जब तब पूर्व जन्म का है, तो वीक कहाँ हो गया, वीक नहीं। लेकिन जब गोचर करता है चंद्रमा यहाँ यहाँ, तो इसका रिजल्ट वीक आता है। और वहाँ जब कोई मैलिफिक प्लैनेट पाप ग्रह बैठ गया, तो फिर जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम होना अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है। और अभी मकरू कुंभ वालों का हर महीना का ये ट्रांजिट जोन, द्वादश चंद्रमा से लेके पंचम चंद्रमा जोन, कहीं भी सुप्ता लिए हुए नहीं है। कितना भी एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि आपको घोड़ा डिम मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, पैसा धन बारिश हो जाएगा, हो सकता है होगा, राशि के अनुसार होगा, लेकिन ये नैसर्गिक रूप में इसका जो इम्पैक्ट इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा शुभता का आशा नहीं करेंगे। और ये पूरा 5 हाउस सीवियरली अफेक्टेड रहेगा, जहाँ पर लॉस, वाणी और परिवार में हानि, विषयों के कारण मानसिक तनाव, चतुर्थ चंद्रमा और राहु का इफेक्ट के कारण हाई, उस दिन में हाई ब्लड प्रेशर, गैस, खट्टी डकार, अम्लपित, और गैस उठाएगा ऊपर, सर उठा नहीं सकते, प्रचंड रूप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला के डालेगा। पंचम चंद्रमा जाने से एकदम रॉन्ग डिसीजन कराएगा, क्योंकि मंगल है, हड़बड़ी में निर्णय लोगे, लबरा लबरी के साथ समस्या बनाएगा। ये था इस वीडियो का टोटल क्रीम। एक बात और बता दूँ, ये तो 5 दिन का बता दिया, 6 दिन 7 दिन का बता दिया, इसका दृष्टि आपके नेगेटिव हाउस में जाए तो वो कौन सा नवम हाउस, अष्टम नवम, उसके बाद और प्रॉब्लम नहीं है, कहे उधर तो दशम एकादश का गोचर हो गया, तो गुड हो गया, इधर सप्तम छठा का गोचर हो गया, गुड हो गया, लेकिन बी अलर्ट एंड अवेयर अबाउट व्हाट अष्टम एंड नवम गोचर, वीक करना, बीमार देना, अष्टम में भ्रम भय भूल भटकाव भकवा भूत क्रूरता देना, ये सब लगा रहेगा नवंबर तक।
इसमें टेम्प्रेरी इफेक्ट है, मेरे को फ़ोन करना, एसएमएस करना, व्हाट्सएप करना, प्रश्न करने का कोई कारण नहीं है। और मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि मकरू बालों का एक बेस अभी बहुत जल्दी बनेगा, जहाँ मकरू बाले पछतावा करेंगे अपने गलती निर्णय का, गलत कर्म का, और उस समय थोड़ा सा पछतावा के कारण डिप्रेशन दे सकता है। अभी नहीं, जब 3 डिग्री में तीन डिग्री कम्बस्टेबल इफेक्ट निकलते रहेंगे, तब 3 डिग्री का यहाँ कुंभ राशि में शनि का अलग उपयोग रहता है। अभी 1.49 डिग्री पे शनि का गोचर चल रहा है, यानी 2 डिग्री पे कवर कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि और 16-17 मिनट पार होते ही ये इफेक्ट आएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, याद करना, जो लोग मेरा टीवी चैनल देखोगे तो उस समय थोड़ा सा और सावधानी रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।